शक्कर की जगह चीनी डालते हैं महादेव के ऊपर। अपने मुंह पे कभी चीनी डाल के देखो और फिर रगड़ के देखो, खोंचे पड़ जाएंगे यहां पे। ये भाव कब सृजित होंगे? जब आप ठाकुर जी को पाषाण नहीं मानोगे। अब हमारी जैसी सिचुएशन में अगर पड़ जाओ कभी, क्या करें क्या नहीं करें, तो फिर उस समय तो नेत्र बंद करके बस स्पर्श करके भाव रख लो, हे नाथ अब क्या करें, व्यवस्था नहीं थी, हो गया है, पर क्षमा करना, अगले अभिषेक में व्यवस्था करके लाऊंगा। पर फिर भी ये नहीं कि चीनी से रगड़ ही दो, धीरे धीरे हाथ फेर दो। ये चैतन्यता लानी पड़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में उनके प्रति चैतन्य भाव उत्पन्न होना, ये आपकी भक्ति की स्थिति को बताता है। चैतन्य सच्चिदानंद, तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक आप भक्ति केवल एक पूजा पाठ की तरह कर रहे हो, एक नियम की तरह उसका पालन कर रहे हो, वो आपको आनंद नहीं दे पाएगी। भक्ति में आनंद चाहिए तो चैतन्य मार्ग। सच्चिदानंद रूप है। हम कथा सुनाते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं इस भाव के ऊपर। मीरा भाई ने चैतन्य माना, गोस्वामी तुलसीदास ने चैतन्य माना, धन्ना जाट ने चैतन्य माना, सबने चैतन्य माना। ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, लीला की उनके साथ। हम अभी भी जड़ मानते हैं। भाव रखो। अभी 2-4-5 दिन पहले मैं कहीं बाहर था और हमारे लाल जी घर पर विराज रहे थे, तो अब थोड़ा व्यस्त होने की वजह से फिर कथाएं भी होती हैं इतने ज्यादा, तो फिर 2-4 बालक और हैं ऐसे जो सेवा ठाकुर जी की कर लेते हैं। तो मैं बाहर कहीं गया हुआ था काम से, तो ठाकुर जी की सेवा एक बालक को देख के गया। मैंने कहा भाई तुम बढ़िया प्रेम से करना। अच्छा, नियम है हमारे ठाकुर जी का कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी और को सेवा दे के जा रहे हैं, तो ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी कल से आपकी सेवा ये करेंगे, इसलिए इनको परेशान मत करना, प्रेम से सेवा स्वीकार। और ये मैंने देखा है कि ठाकुर जी को अगर बता के नहीं जाऊं, मैं नीचे से ही बोल के चला जाऊं, तुम सेवा कर देना, हाँ हम जा रहे हैं, जैसी गए नहीं थोड़ी दूर पे ही फिर आ जाएगा, बोले कि अरे महाराज जी आप जल्दी पधारो, क्यों ठाकुर जी कभी जो है अपने मुकुट फेंक रहे हैं, कभी मालाएं गिर रहे हैं, कभी गेंद उछाल देते हैं जोर से, मतलब कुछ ना कुछ अव्यवस्था बनी रहती है। तब से हमने नियम बनाया ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी आपकी सेवा ये करेंगे, इसलिए परेशान मत करना, हम 3 दिन में आ रहे हैं। तो बोल के गए ठाकुर जी को कि ये सेवा करेंगे आपकी। अब मैं कहीं बाहर गया हुआ था किसी कार्य से, पूरी रात नींद नहीं आई, कभी लगे गद्दे में कोई दिक्कत है, कभी लगे रजाई ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा अब थोड़ी गर्मी आ गई, पंखा चलाओ, एसी चला दिया, फिर ठंड लगी बंद कर दिया, पानी पी लिया अब ठीक हो जाएंगे, सर भारी भारी सा हो गया है, तो एक दवाई खा ली, मैंने कहा अब नींद आ जाएगी। 3 बज गए सुबह, नहीं सो पाए, पूरी रात ऐसे निकली। सुबह 6 बजे मैं यही सोच रहा था, रात भर नींद नहीं आई, और अब सुबह तक भी मैं हो गया, अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे सोना चाहिए, कारण क्या है? स्नान करते करते अपने आप मन में भाव आया, कहीं ऐसा तो नहीं है लाल जी हमारे घर पर विराज रहे हैं, कोई त्रुटि सेवा में हुई। तुरंत स्नान करके मैंने उस बालक को फोन किया जो सेवा में था, मैंने कहा एक बात बताओ, कल रात्रि को शयन में तुमने ठाकुर जी को शयन ठीक से कराया था? तो बोला नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने चला गया, मैं दूसरे को बोल गया था कि तू शयन करा देना। मैंने कहा हो गया कल्याण, मैंने कहा वो सोए नहीं रात भर, और वो नहीं सोए हैं, उसका वो संकेत मेरे को भेज रहे थे कि मैं सोयो ना हूं, तुम कुछ जन कहां छोड़ के चलोगे, जल्दी यहां बात कर, मेरी सेवा ठीक से करवा। फिर उस बालक को फोन किया जो दूसरा सेवा में, उसको इतनी सेवा आती नहीं। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा रात में तुमने शयन कराया? बोला हाँ। कैसे शयन कराया? उसने कहा, बोले ठाकुर जी विराज रहे थे सिंहासन पे, हमने सीधे उठाए, उठा करके और जो बिस्तर पर पड़ा दिए। मैंने कहा अच्छा, मुकुट उतारा था कि नहीं? बोले नहीं। मैंने माला जी उतारी थी? बोले नहीं। मैंने कि यही तो, मैंने कि तुम कपड़े पहन के सो जाओ, पूरे जो है कि 3 पीस पहन के सो जाओ, दुनिया भर की सामग्री पहन के सो, नींद आती है क्या? ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं बढ़ाओगे कैसे सोएंगे? तो वो अनुभव हुआ,
मैं किलोमीटरों दूर था लेकिन वहां भी अनुभव हो रहा था। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? आप अपने ठाकुर जी को जब चैतन्य मानते हो तब ये आनंद सुख मिलता है, तब ये सेवा का सुख मिलता, और इसको सुख नहीं बोलते, इसको आनंद बोलते हैं। इसलिए सच्चिदानंद चैतन्य मानो ठाकुर जी को, तभी आनंद होगा। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कियम् प्रव्रजन्तमनुपेत्यपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमा। महात्म के द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को वंदन किया गया। भागवत जी के बगल में आप सब दर्शन कर रहे हैं, सुखदेव जी विराज रहे हैं, साक्षात भागवत के प्रथम वक्ता हैं। वक्ता तो अनेक हैं, पर सुखदेव जी के मुख से जब भागवत जी का गायन हुआ तो अमृत द्रव संयुतम, भागवत अमृत के समान लगने लगी। इसलिए सुखदेव जी के वक्ताओं में पूज्य, भागवत के वक्ताओं में पूज्य श्री सुखदेव जी को माना जाता है। ऐसे श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। अब यहां से महात्म प्रारंभ होता। महात्म का मतलब होता बंधुओं महत्व। भागवत जी का महत्व क्या है यही हम सुनेंगे। वैसे तो एक बात मन में कभी कभी आती है कि जिससे प्रेम अगाध होता है ना, उसके महत्व को जानने की इच्छा नहीं होती। जिससे प्रेम बहुत होता है उसका महत्व क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके गुण क्या है, ये जानने की इच्छा नहीं होती। बेटा कैसा भी हो, अवगुण युक्त भी है, लेकिन फिर भी मां को प्रिय लगता है। क्यों? प्रेम में, निष्काम प्रेम में महत्व की इच्छा नहीं होती। लेकिन फिर भी अब यहां कई लोग ऐसे होंगे जिनको निष्काम प्रेम है, जिनको महत्व जानने की इच्छा नहीं, पर फिर भी जिसको प्रेम हुआ नहीं उसको प्रेम कराने के लिए तो महत्व बताना पड़ेगा। इसलिए हम महात्म कहेंगे। भागवत सुनने से क्या होता है, क्यों सुनी जाती है भागवत की कथा, ये सब महत्व के अंतर्गत, महात्म के अंतर्गत आता है। ध्यान से सुनिएगा। 88,000 सौनिकादि ऋषि नैमिषारण्य में बैठ करके कलयुग के मानवों के कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। बंधुओं एक बात हम आपसे पूछें, ये कल्याण शब्द आपने बहुत सुना होगा, मानव का कल्याण, मानव का कल्याण, इसका अर्थ क्या है? मानव का कल्याण इज इक्वल टू व्हाट है, क्या कभी सोचा इस बारे में?